आत्मनिर्भर और इसी तरह कर बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ देंगे। देश की समर्थ विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को मजबूत करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने के कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। नंगला, गुभाना और माजरी में आयोजित कार्यक्रमों में पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़। विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बने युवा। देश के हर गांव में पहुंच रहा मोदी की गारंटी का वाहन। गुभाना में ग्रामीणों संग सुना प्रधानमंत्री मोदी का लाइव संबोधन। जी हां, देश अमृतकाल के आगमी 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल करना पीएम मोदी का सपना है। युवा वर्ग को कौशल निखार कर विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभानी होगी, इसलिए हर युवा विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनकर अपनी भूमिका तय कर ले। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों के तहत बादली हल्के के गुभाना, नंगला, माजरी गांव में ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी मनोहर सरकार हर लाभार्थी तक गांव-गांव पहुंच रही है। जन कल्याण की सोच के साथ ऐसा मेगा अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया। राष्ट्रीय सचिव धनखड़ ने गुभाना में पीएम मोदी का ग्रामीणों संग लाइव संबोधन सुनने उपरांत कहा कि जिन लोगों ने देश की मेहनती जनता का जो धन दोनों हाथों से लूटा है, उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब बेईमानों से पाई पाई वसूलने की गारंटी। अगर एक विपक्षी सांसद के पास 200 करोड़ की नकदी पकड़ी जाती है तो बाकी सभी विपक्षी सांसदों के पास कितनी नकदी होगी, यह सोचने का विषय है। धनखड़ ने कार्यकर्ताओं में मोदी मनोहर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पीएम उज्ज्वला योजना से देश भर की करोड़ों माताओं बहनों के आंखों से निकलने वाले आंसुओं को पोंछने का काम मोदी ने किया। जिन पात्र माताओं व बहनों को रसोई गैस नहीं मिला है, उन सभी को गांव-गांव जाकर रसोई गैस दिए जा रहे हैं। आज नंगला, गुभाना और माजरी में भी करीब 2 दर्जन पात्र महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस व चूल्हे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने हाथों से दिए। उन्होंने कहा कि अब किसी को रसोई गैस कनेक्शन लेने के लिए किसी मंत्री व वीआईपी के पास जाकर सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं है, यह मोदी का बदला हुआ भारत है। मीडिया से बातचीत के दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसी के साथ साथ ओम प्रकाश धनखड़ के साथ सभी गांव वालों ने मिलकर एक शपथ भी ली, आपको वो भी दिखाते हैं। और कांग्रेस के सांसद ने, छत्तीसगढ़ के सांसद ने यहाँ 200 करोड़ रुपये से अधिक का कैश मिला है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये पार्टी कितने भ्रष्टाचार में रची बसी हुई है। और संयोग से दिन भी आज ऐसा है कि पूरे देश में वही सबसे बड़ी खबरें हैं। और अभी तक मैंने कांग्रेस के किसी नेता का कोई निंदा का बयान भी सुना। मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ डट के लड़ रहे हैं और देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया उनका, कहते हैं अब तो मेरी गारंटी। आज मैं गुभाना गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ है, आगमन हुआ है। आज ही बादली हल्के में उसके 4 कार्यक्रम हमारे नंगला में, भूतानी में, गुभाना में और माजरी। हमारे ही प्रदेश में आज जगत प्रकाश नड्डा जी भी आए, वो भी गुड़गांव जिले के इसी यात्रा में से भाग। हमारे सभी सांसदगण, अन्य नेतागण वो भी शामिल हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल मोदी जी की है, जो हर गांव में आधा दिन ये यात्रा रहती है। जितने भी गांव से जुड़े हुए हैं, विभाग हैं, उनके सब कर्मचारी आते हैं, मौके पर समस्याओं का समाधान करते हैं। BDPO, SDM, कहीं CO, पंचायती राज, अनेक अधिकारी उसमें उपस्थित रहते हैं। और मैं कहूँगा कि जन के साथ शाम साथ इतना नज़दीक सरकार को लेकर आना, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की बड़ी पहल है। और बड़ी पहल इतना नहीं है,
स्वयं मोदी जी इसमें लगातार खुद हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले वो जब ये शुरू की गई तो ट्राइबल क्षेत्र में खुद गए थे, आज इन्होंने फिर हमने देखा कि वो खुद इस बात के लिए उन्होंने सबसे इंटरेक्शन की है। सप्ताह भर पहले भी उन्होंने इस प्रकार से इस आयोजन की शुरुआत की थी और दायित्व दिया है हमारे जैसे पदाधिकारियों को। मुझे भी हरियाणा के 10 के 10 सांसदों से इसकी रिपोर्ट लेकर देनी है कि वो उनके लोकसभा में कैसी चल रही है, अगर हमारे 9 सांसद हैं कटाले चले गए कि वहाँ कैसा चल रहा है काम और सांसद महोदय भी उसमें कितना सहभागी हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि खुद प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम की स्वयं निगरानी कर रहे हैं, सब प्रमुख लोग इस नाते से पार्टी के दीख लिए अच्छे से अच्छे इसका आयोजन हो और लोगों तक जो सुविधाएं केंद्र सरकार ने पहुँचाई हैं, जैसे आपने देखा उज्ज्वला की गैस नहीं मिल रही, प्रॉपर्टी आईडी यहाँ ठीक की जा रही थी, आयुष्मान के कार्ड बन रहे थे, किसी के आधार कार्ड की दिक्कत थी तो वो ठीक हो रहे थे, हेल्थ कैंप लगाया हुआ था, तो सभी जन सुविधाएँ यहाँ लोगों के बीच में उपस्थित थी। और मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा महती प्रयास भारत के हर गांव तक का है, हर ब्लॉक में गाड़ी लगी हुई है, एक तरह से इतने ब्लॉक है, तो ये हर गांव तक पहुँचाने का जो प्रधानमंत्री जी ने मेगा प्रयास किया है इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ और बहुत बड़ी संख्या में इससे लोगों की समस्याओं का समाधान हूँ। मुख्यम जी का, केंद्र सरकार का और मुख्यमंत्री जी का कई दिन से हम इस काम में लगे हुए थे तो उसकी एक राशि जो है वो मंजूर होकर आई है और जो ही टेंडर होगा तो इसका शिलान्यास कराएंगे। यात्रा के अंतर्गत हमने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की तरफ से अपनी स्टॉल लगाई हुई है, इस स्टॉल के पे आने वाले सभी जो ग्रामीण है उनको हमने वाटर क्वालिटी के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं एफटीके के माध्यम से। और यहाँ पर गुमाणा गाँव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कीम है जिसके अंतर्गत वाटर सप्लाई हो रही है हमारी, उसके बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं। जो गांव वालों की वैसे तो अभी तक कोई शिकायत आई नहीं है सुबह से, लेकिन अगर कोई कंप्लेंट भी आएगी तो हम यही मौके पर ही जे साहब को बता के और उनका समाधान करवा रहे हैं। इस गांव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत 13.5 किलोमीटर पाइपलाइन लगी हुई है और 1542 कनेक्शन विभाग की तरफ से बिल्कुल फ्री किए गए हैं और गांव में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है।